हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहाय की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। तो जीके वाले पोर्शन में आज हम देखने वाले हैं आजीविका के मुख्य साधन क्या हैं। ठीक है, आजीविका के मुख्य साधन क्या होते हैं, इन्हें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। ठीक है, आप याद रखेंगे जो हमारा राजस्थान है वो खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। दूसरा है, राज्य के लोग प्रमुखता कृषि पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो उनका काम क्या है, कृषि, मुख्य काम जो है वो कृषि पशुपालन और खनन का कार्य है। राजस्थान की कृषि, अब राजस्थान की कृषि की बात यहाँ पर की जा रही है। तो राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। याद रखेंगे आप कि राजस्थान का जो 60% भाग है वो क्या है, मरुस्थल है। एवं अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर रहती है। यहाँ की जो हमारे यहाँ कृषि है वो मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखेंगे आप, राजस्थान की कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ भी कहा जाता है। यहाँ पूरे साल 3 प्रकार की फसल होती है। कितने प्रकार की फसल होती है हमारे यहाँ, 3 प्रकार की। पहली है रबी की फसल, ठीक है, इसकी बुआई सर्दी की शुरुआत में तथा कटाई गर्मी प्रारंभ होने पर की जाती है। इसकी बुआई कब होती है, सर्दी जब स्टार्ट होती है। इसकी कटाई कब होती है, जब गर्मी प्रारंभ होती है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है। क्या क्या है ये रबी की फसलें, गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि मुख्य फसलें हैं। रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ, चना और सरसों। ठीक है, खरीफ की फसल, इसकी बुआई वर्षा ऋतु की शुरुआत में तथा कटाई शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले की जाती है। खरीफ की फसलें क्या है, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल आदि हैं। खरीफ की फसलें आप याद रखेंगे कौन कौन सी हैं, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। ठीक है, ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है जायद की फसलें। अब जायद की फसलें क्या क्या हैं, यह मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक बोई जाती है। टाइम पीरियड याद रखेंगे कब से कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक ये बोई जाती है। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि आते हैं। ठीक है, खरीफ जायद की फसलें क्या है, खरबूज, तरबूज, ककड़ी ये आते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण, अब राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है, मुख्यतः प्राकृतिक, आर्थिक व संगणात्मक, ये इसके पिछड़ेपन का कारण है। संगणात्मक, प्राकृतिक और आर्थिक, ये तीनों कारण आप याद रखेंगे। प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा, अकाल, मृदा अपरदन, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि मुख्य कारण है। प्राकृतिक कारण क्या क्या है, बार बार यहाँ सूखा पड़ती है, अकाल पड़ता है और मृदा अपरदन होता है, रेतीली उपज व बंजर भूमि जो है ये मुख्य कारण है। दूसरा है आर्थिक कारण, किसानों की निर्भरता, उपज का कम मूल्य। ठीक है, जो किसानों की निर्भरता किस पे है, जो उनकी उपज, उन्होंने जो फसल उगाई हो उनका उन्हें मूल कम मिलता है। सिंचाई के साधनों की कमी, सिंचाई के साधन कम है, कुछ महत्वपूर्ण ये आर्थिक कारण है। थर्ड है संगणनात्मक कारण। थर्ड क्या है, संगणनात्मक कारण, पुरानी तकनीकी से खाद बीज की कमी, किसानों की नीतिगत कमजोरियां व भू स्वामित्व समस्या आदि संगणनात्मक कारणों में से राजस्थान में कृषि पिछड़ा हुआ है। ये कारण है जिससे कि कृषि पिछड़ा हुआ है राजस्थान में, ये तीनों कारण आप याद रखेंगे। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं, अब राजस्थान में कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं? देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या क्या पैदा होता है, बाजरा, सरसों और ग्वार, ये तीन चीजें राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होती हैं।
उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जौ और चना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, बाजरा, याद रखेंगे आप। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है, और दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती प्रमुख है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में तो बाजरा की खेती प्रमुख है और दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में सर्व प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जो श्रीगंगानगर है यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होते हैं, ये प्रथम स्थान पर गेहूं पैदा में, गेहूं की पैदावार में। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी जो नहर है यहाँ पर 17.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, सिंचाई का विकास हुआ है, याद रखेंगे आप। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिर्फ 35% ऐसी फसली क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध है। कुल संचित क्षेत्र 66% क्षेत्र में सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है, और 66% ऐसा क्षेत्र है जिसमें की जो सिंचाई है वो किससे होती है, कुएं और ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा लगभग 33% सिंचाई होती है। ठीक है, नहरों से सिंचाई कितनी होती है, 33%। तालाबों द्वारा संचित क्षेत्र बहुत कम है। ठीक है, और तालाबों के द्वारा संचित क्षेत्र बहुत ही कम है। राजस्थान का पशुपालन, अब राजस्थान में पशुपालन का स्थान क्या है, राजस्थान में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से पशुपालन जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। ठीक है, राजस्थान में जो पशुपालन है वो जीविका उपार्जन का सबसे मुख्य साधन है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा, कम वर्षा होती है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ पे। ठीक है, कृषि के अवसर सीमित व औद्योगिक रोजगार के अवसर भी अपर्याप्त होने की स्थिति में ग्रामीणों को पशुपालन से रोजगार व आवश्यकता की कई वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के अवसर सीमित हैं और औद्योगिक रोजगार भी कम है गांव में। ठीक है, इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पशुपालन का रोजगार ज्यादा है। ठीक है, पशुपालन में राज्य का देश में दूसरा स्थान है, जो राजस्थान है वो पशुपालन में दूसरे स्थान पर है देश में। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। ठीक है, भारत का जो टोटल पशुधन है उसमें राजस्थान में 11.17% राजस्थान में पाया जाता है पशुधन। राजस्थान के पालतू पशु, अब राजस्थान में जो पालतू पशु है, राज्य में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। ठीक है, इनके पालतू जानवर हैं, इन्हें पाला जाता है, तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट, बकरियां व भेड़ पाली जाती हैं। ठीक है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पे ऊंट, भेड़ी और बकरियां और भेड़ पालन ज्यादा होता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों के साथ भेड़ बकरियों की संख्या में कमी आई है। ठीक है, जो राजस्थान की 20वीं पशुगणना थी 2019 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे, 20वीं जो पशुगणना थी वो कब हुई थी, 2019 में हुई थी, तो जिसमें कमी किसमें आई है, ऊंट गधों के साथ भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि तथा मुर्गी पालन
के व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हुई है। पशुपालन से लाभ, पशुपालन से लाभ क्या है? पशुपालन से ग्रामीणों को रोजगार एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, पशुपालन से एक तो ग्रामीणों को लाभ हुआ है, ठीक है, और जो पशुओं पर आधारित उद्योग है उन्हें उनका भी विकास हुआ है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त होते हैं। साथ ही डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों का विकास हुआ है। राज्य में पशु उत्पादन का विदेश में निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, जो पशु उत्पादन है इसका विदेश में निर्यात होता है। पशुपालन में समस्याएं, अब समस्याएं क्या है पशुपालन में, इनको देख लीजिए आप। पशुपालन की निर्धनता के कारण पशु पौष्टिक आहार, उचित इलाज, चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि आदि से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जो पशु है उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, उनको उचित इलाज नहीं मिल पाता है, और चारागाहों के लिए पर्याप्त क्योंकि भूमि नहीं है जहां वो उन्हें भोजन प्राप्त हो सके, वो चर सके, से वंचित रह जाते हैं। इससे उनके पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु शेष रहते हैं। ठीक है, जब उनको ठीक से पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा और उचित उनको इलाज नहीं मिलेगा, उनको उनके लिए चारागाह के लिए भूमि नहीं होगी, तो वो किस कैसे पशु हो जाएंगे, वो घटिया नस्ल के पशु हो जाएंगे। ठीक है, परंपरागत पशुपालन के तरीकों से व्यवसायिक लाभ कम होता है। ठीक है, जो पहले से चली आ रही है परंपरागत पशुपालन हो रहा है उससे लाभ लोगों को कम हो रहा है। अकाल एवं सूखे जैसी स्थितियों के बार बार होने से पशुधन भी कम होता जा रहा है। ठीक है, बार बार अकाल पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, तो इसमें पशुधन जो है वो भी कम होता जा रहा है। राजस्थान के खनन, अब राजस्थान में खनन के क्या है साधन? राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। ये संख्या आप याद रखेंगे, 67 प्रकार के, 67 प्रकार के यहाँ पे खनन होते हैं। खनिजों की उपलब्धता के कारण इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं राजस्थान को, क्योंकि खनिजों की यहाँ पर उपलब्धता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। सबसे ज्यादा किस चीज का यहाँ पे खनन किया जाता है? रॉक फास्फेट, नाम यहाँ पे याद रखेंगे, रॉक फास्फेट का यहाँ सबसे ज्यादा खनन होता है। सीसा, जस्ता चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि के उत्पादन में राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, एकाधिकार किस किस में प्राप्त है राज्य को? सीसा, जस्ता, चांदी और जिप्सम और संगमरमर में। चूना, पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राज्य में अवैध बजरी, ठीक है, राज्य के अंदर जो अवैध बजरी है, खनन पर्याप्त प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रदूषण की समस्या किससे बढ़ रही है? अवैध बजरी खनन से। ठीक है, तथा अवैध बजरी से, अवैध खनन से आरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां गायब हो गई हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे जो आरावली पर्वतमाला है इसकी बहुत सारी पहाड़ियां जो है वो गायब हो गई हैं। किसलिए गायब हो गई हैं? अवैध खनन के कारण। ठीक है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। आजीविका, रोजगार जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य है। आजीविका किसे कहते हैं? रोजगार या फिर जीवन निर्वाह किया जाने वाला कार्य आजीविका कहलाता है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब क्या है? अत्यधिक वर्षा, याद रखेंगे आप। निर्यात, निर्यात का मतलब क्या है?
देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। ठीक है, ये पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनसे इतने ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। रबी की फसल की मुख्य फसलें कौन सी हैं? ठीक है, रबी की मुख्य फसलें क्या कौन सी थी वो हमने देखी थी। आप ऑप्शन में देख लीजिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे गेहूं दिया गया है। ठीक है, तो रबी की मुख्य फसलों में यहाँ गेहूं दिया गया है। अगर हमने तीन चार फसलें देखी थी, अगर सरसों हो तो आप उसको निशान लगाइएगा, तो यहाँ पर गेहूं है तो आप गेहूं निशान लगाएंगे। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मरुस्थलीय राजस्थान सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? तो सबसे ज्यादा वहां पर बाजरा बोया जाता है। ठीक है, बाजरा सबसे ज्यादा होता है वहां पे। थर्ड क्वेश्चन है, देश के माल की बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो देश का माल है उसे बाहर भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे निर्यात कहा जाता है। जब देश का माल जो है वो दूसरे देश में भेजा जाए तो उसे निर्यात करना कहते हैं। अतिवृष्टि का अर्थ है, हमने देखा था लास्ट में अतिवृष्टि का क्या अर्थ है, तो अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 5, खरबूज तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो खरबूज तरबूज व जो ककड़ी है वो जायद की फसलें हैं, याद रखना आप, ये जायद की फसलें हैं। पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन को कहते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुपालन में जो राजस्थान है उसका दूसरा स्थान है पशुपालन में। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है राजस्थान में? तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई हमने देखा था वो कुएं और ट्यूबवेल से की जाती है। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है? तालाबों से होती है। ठीक है, तालाबों से यहाँ सबसे कम सिंचाई होती है। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, तो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। ठीक है, कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं क्या हैं, ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये इसको आप अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर क्वेश्चन जरूर आप साथ साथ करते चलिएगा क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।